हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जो विंग्स के आपके पास अगर प्रोडक्ट्स हैं या फिर नेक बैंड है, ब्लूटूथ नेक बैंड है, कुछ भी है आपके पास विंग्स कंपनी का, तो कैसे आप उसकी वारंटी को क्लेम करा सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वोट के बारे में, मीवी के बारे में, उन पर काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा क्यों ना और भी प्रोडक्ट्स के वारंटी पे आपको वीडियो बनाकर दी जाए। और ये मेरे फ्रेंड्स मुझे सेंड किया है, उसने भी 1 मंथ पहले ही इसको परचेज किया था और अभी 1 मंथ में ही इसका 1 साइड वर्क नहीं कर रहा है। तो कैसे आप इसको वारंटी में रिप्लेस करा सकते हैं, फिर वारंटी में इसको ठीक करा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस आपके पास आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और जो भी प्रोसेस मैं आपको अपने स्मार्टफोन से बताऊंगा सिंपली वही आप करेंगे और आप आराम से रिप्लेस या फिर एक्सचेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूंगा, अगर आपके एरिया में लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आप प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको ये रिप्लेस कराने में, थोड़ा टाइम लग सकता है इसको रिप्लेस कराने, तो आप प्लीज़ कमेंट में मत पूछिएगा, ये आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है इसलिए मैं इस प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट यहाँ पर प्रोसेस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मॉबटेक को और पास वाले घंटे को दबाकर कॉल पर करते हैं, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस मोबाइल को पहले अपने पास रखते हैं और इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं पहले इस बॉक्स में हमको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है नहीं मिलता है। ये है ये हेडफोन्स जिसमें प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो इस हेडफोन्स में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो 1 साइड है ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हम रखते हैं साइड से। और यहाँ पर हमको एक वारंटी कार्ड शायद देखने को मिलता है, चलिए इसको देखते हैं बॉक्स में। तो इस बॉक्स में हमको ये वारंटी कार्ड नहीं, यूज़र मैनुअल है शायद, इसका जो वारंटी कार्ड है वो यहाँ पर नहीं निकला है या फिर उनका निकल गया होगा पहले से ही। तो इसको हम अभी रखते हैं साइड से और अपने मोबाइल के प्रोसेस में चलते हैं। सिंपली आपको जाना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड देन आपको करना होगा यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे आपका नेट चलना चाहिए, नेट ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए वरना प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है विंग्स वारंटी क्लेम, आप देख सकते हैं विंग्स वारंटी क्लेम आपको सर्च करना है। और जैसे विंग्स वारंटी क्लेम सर्च करेंगे ऊपर आपके सामने ऑप्शन आया क्लेम वारंटी पे आपको सिंपली क्लिक करना है, पहले आप क्लिक कर लेना या वीडियो देखने के बाद कर लेना एंड नीचे स्वाइप करना, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल रेज द टिकट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेज द टिकट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जहाँ से आपका पिकअप होगा वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो हम सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे आपसे एक और प्रोसेस मांगेगा जहाँ पर आपको डेट ऑफ परचेज देना है, तो आपने जिस डेट में परचेस किया था वो आप देख रहे हैं, हमने 8 मई को परचेस किया तो हम 8 मई पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर आपके सामने आपको सिंपली एक प्रोसेस और आएगा नीचे। आपका जो प्रोसेस है वो ये होगा कि आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना पड़ेगा और 3 जगह आपका एड्रेस पूछेगा, जिससे अगर आप जिस भी एरिया में थे उस एरिया का जहाँ रहते हैं वहाँ का जो घर आपके आसपास कुछ भी है उसका डालिए, देन आपको फिर अपना सिटी का नाम और पिन कोड वगैरह डालना है तो वो आप डाल दीजिएगा। एंड उसको डालने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ अटैच फाइल। अब ये अटैच फाइल क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपली आपको जाना होगा अपने अटैच फाइल पर क्लिक करके अपने अमेज़ॉन में जाना होगा या फिर आपने फ्लिपकार्ट जहाँ से भी परचेज़ किया है एंड देन फिर वहाँ से परचेज करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू ऑर्डर डिटेल्स पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इनवॉइस। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, तो हम यहाँ पर डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक करेंगे और अपनी इनवॉइस को डाउनलोड कर लेंगे। आप जैसे ही इनवॉइस को डाउनलोड कर लेंगे देन आपको दोबारा बैक आना है और अटैच अ फाइल में उसी इनवॉइस पीडीएफ को अटैच कर देना है। वो जो इनवॉइस पीडीएफ होती है वो आपके पूरी वारंटी क्लेम उसी से हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने परचेज किया, किस नाम से किया, कब की वारंटी, कितने का किया, कौन सा प्रोडक्ट, सारा कुछ वहाँ पर होता है। तो आपको कुछ भी सिंपली बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट केवल अपनी फाइल को अटैच कर दीजिएगा एंड फाइल को अटैच करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन आएगा आपकी जो रिंग्स लाइफ स्टाइल है वो आपकी मतलब सबमिट हो गई है एंड यहाँ पर आपके सामने जो आपने ईमेल दी थी, तो इस ईमेल पर पहले तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि जो मैसेज था वो मेरे नंबर पर नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि मैंने ईमेल भी वहाँ पर मतलब दी थी, तो मैंने उस ईमेल पर जाकर देखा तो मेरे पास एक रेज अ टिकट नंबर आया। तो उस रेज अ टिकट का नंबर जो मेरा है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रेज अ टिकट,
तो वहाँ पर मैंने उस टिकट को रेज मतलब जो टिकट आईडी थी उस टिकट आईडी को मैंने ट्रैक करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल में आप आइएगा एंड सोशल जो द्वारा उसी में वेबसाइट में वोट वॉरंटी वाले में और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सोशल नाम का। उस सोशल नाम के ऑप्शन पर आपको ई कॉम एक्सप्रेस ऑप्शन देखिएगा जहाँ पर आपको ट्रैक और ऑर्डर की आपको जो नंबर डालना है वो आपको सिंपली डालना पड़ेगा। आप अपना नंबर डालिए और ट्रैक और ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो AWD नंबर क्या है जो आपको सस्ता शायद देना पड़े जब आपके प्रोडक्ट आए और इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आपकी आएगी एंड साथ में आपके सामने ये कुछ आया कि यहाँ से मतलब आपकी जो आईडी जो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है चेक हो गया है देन बंदा आया है आपका लेज आएगा सारा कुछ यहाँ पर दिखाएगा देन उसका सर्विस सेंटर में सही हुआ है नहीं हुआ है और उसके बाद जब वहाँ से चलेगा और आपके आने तक पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएगा और आप भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। आपके आसपास में लोकेशन भी दिखा सकता है शायद ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट जाकर ये सही होगा। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स दिल्ली में जाते हैं या फिर जहाँ उनके बोर्ड सर्विसेज होते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने पूरी डिटेल से समझा कि कैसे अपने बिंग्स के प्रोडक्ट में टिक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारी मैंने वीडियोज बनाई हैं बोर्ड पर भी इस पर भी लेकिन बिंग्स के थोड़ा कम परचेज करते हैं तो हो सकता है आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो बस आज इतना ही मिलते हैं आपसे और अगली नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।